तो यहाँ देखिए कल दो वीडियो में आपको तो गुणनखंड बता चुका हूँ। आज गुणनखंड का आखिरी सवाल है। देखिए जैसे कि आज 24 माइनस 3 है 5 प्लस 34 है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे। ठीक, तो जो माइनस है सबसे पहले इसको लिखेंगे माइनस 3 स्क्वायर, बाकी यहाँ देखिए प्लस है प्लस लगाएंगे 34 है, फिर इसको पीछे लिखेंगे तो प्लस में लिखना पड़ेगा 24। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को हम कॉमन निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा बन गया। अब इसको क्या बनाना है, गुणनखंड इसी को बनाना है। तो पहले लास्ट का क्या कराते हैं, गुणा इसी तरह बताए तो 24-3 का गुणा कराए कितना हो जाएगा 72। अब इसी को हमें सबको यही सेट करना रहता है कि गुणा करने पे 72 आ जाना चाहिए और जोड़ने चाहे घटाने पे 34, तो 36 गुना 72 यानी 36 गुणे दो ये हो जाता है हमारा 72, और 36 मध्य अगर हम दो घटाएंगे कितना जाएगा 34। यही मान ला के आपको रखना रहता है ये वाला पार्ट। माइनस वैसे लगाएंगे आप अगले का यूज करेंगे 3a² माइनस ब्रैकेट हो जाएगा हमारा 36 माइनस 2 इंटू ए माइनस 24 माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे 3a² माइनस 36 माइनस माइनस प्लस प्लस 2a माइनस 24। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से देखिए कॉमन कॉमन है जाने दो, जाओ जाओ यहाँ से देखिए दोनों कॉमन क्या जाएगा 3a ब्रेकेट में बचेगा a माइनस 12, यहाँ से प्लस 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा a माइनस 12। बस इतने करना आप, अब ये जो हम कॉमन लिए ब्रेकेट में लिख देंगे यहाँ से मान लिया हटा दोगे 3a प्लस 2 x हो जाएगा और दूसरे में आ जाएगा a माइनस 12 बताया जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इतना ऐसे बताना, सही से नोट करो इसको पूरा, तो ये पूरा इसका गुणनखंड है।